नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग TGT PGT हिंदी विषय की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये हिंदी का भाग एक पहला वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? चार विकल्प दिया गया है, यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी गारसा दत्तासी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारसा दत्तासी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो चलिए बताइएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन बी फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी फ्रांसीसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इतवार द ला लिटरेत्रु एंदु ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? तो चार विकल्प दिया गया है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए गारसा दत्तासी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो बताइएगा कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जोशुआ केटलर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। आगे प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृत की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो बताइएगा कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृत की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी हिंदी शब्द सागर। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 1929। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना है जिससे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे एक स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया था? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल की कृति हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी होगा पादरी एडिसन ग्रिग्स। तो आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक जो हैं पादरी एडिसन ग्रिग्स हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेसन कृति द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो बताइएगा, ग्रेसन के द्वारा जो लिखा गया द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक शीर्षक से लिखा था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रेसन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहीं पर हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है इस वीडियो का। अगले वीडियो में फिर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।